Hello and good morning to everyone. This is GS and my number आप रहने दीजिए इस वीडियो में. तो GS वही GS बोल रहा हूँ जिसको आप ट्विटर, टेलीग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो करते हुए आ रहे हैं. आई थिंक टेलीग्राम पे 41,000 फॉलोअर्स हैं हमारे. फेसबुक पर भी एक आईडी जो ब्लॉक हो चुकी है उसमें 80,000 क्रॉस हो गए थे फॉलोअर्स हमारे. तो अभी नई आईडी बनाई है फेसबुक पर, उस पर शायद 4 या 5 हज़ार हैं अभी भी फॉलोअर्स. ट्विटर पे अभी इतने लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, शायद यूज़ नहीं करते हैं ट्विटर पे पंटर्स इतना. तो धीरे धीरे जो भी है ग्रो करेगा ये. और यूट्यूब पे ये हमारा नया चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिएगा. सब्सक्राइब करेंगे अगर आप तो आने वाले फ्यूचर में जो मैचेस हैं आप लोगों को कुछ अच्छे रिजल्ट्स हम दे पाएंगे यहाँ पर लाइव में आकर के. लाइव वीडियोस हमारे आएंगे और एक बेल आइकन होगा, वो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि रनिंग मैच में किसी भी टाइम आपको हमारी तरफ से कोई भी एक अच्छी टिप, जैकपॉट टिप प्रोवाइड कराई जाएगी. तो अगर आपने बेल आइकन दबाया होगा तो शायद आपको वो हाथों हाथ टिप मिल जाए जहाँ पर आपका अच्छा रेट चल रहा होगा मैच में. तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम कुछ बेसिक रूल्स के बारे में बात करेंगे. अगर आप पंटिंग करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि हम कहीं भी किसी भी तरह से पंटिंग को या क्रिकेट में बैटिंग को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ना ही हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि आप पंटिंग करिए. ये इंडिया में इलीगल है और हम ये सिर्फ और वीडियो जो है आउटसाइड इंडिया के लिए बना रहे हैं, जो हमारे पंटर्स जो हमें फॉलो करते हैं साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या आउटसाइड इंडिया, मतलब जहाँ पर भी ये पंटिंग लीगल है. तो कुछ बेसिक रूल्स हैं इस वीडियो में आप लोगों को बताए जाएंगे, उन रूल्स को फॉलो करिएगा. क्योंकि अगर आप लॉस में हैं तो शायद आई थिंक आगे आने वाले मैचेस में अगर आप पंटिंग कर रहे हैं तो लॉस नहीं होगा आपका, बेटर देन आप कुछ अच्छा कमा कर ही निकलेंगे. और उन कमाने के लिए आपको थोड़े बहुत रूल्स फॉलो करने हैं और वो मैं बता देता हूँ कैसे कैसे हैं. तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा आखिर तक और शायद कुछ काम की बात आपके मिल जाए इस वीडियो में. तो फर्स्ट आपको बैटिंग करनी कैसे है, देखिए हम जुआ नहीं खेलेंगे, इसे एज ए बिजनेस लेंगे. बिजनेस में हमारे पास उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं. तो बिजनेस आपको पता ही है किस तरीके से चलता है, उसी तरीके से इस पंटिंग को भी करेंगे. लेकिन एंड ऑफ द सीज़न जब भी ख़त्म होता, ये मतलब मंथ का एंड आता है, हमारे पास प्रॉफिट ही निकलता है बिजनेस में, अच्छे बिजनेस में. तो उसे अच्छा बिजनेस बनाया कैसे जाए वो मैं बताऊँगा इस वीडियो में. देखिए फर्स्ट आपके पास एक बैकअप होना चाहिए कि आपको कितने पैसे से आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है या पंटिंग करनी है. ये नहीं है कि पूरा घर बार आप लगा के बैठ जाओ इसमें. मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके पास है, 1 लाख से आप स्टार्ट करते हैं पंटिंग करना. तो ये नहीं है कि 1 लाख मैंने आपको कोई टिप दी तो आप 1 ही लाख रुपये एक पूरे मैच में लगा करके बैठ गए और एट द एंड ऑफ द डे आप वो ख़त्म हो गया, आपकी कहानी एक ही मैच में ख़त्म हो गई. तो ये नहीं करना है, ये आपका बैकअप है, इसे बैकअप को संभालिए. हमको पर मैच 1 लिमिट से खेलना है, 1 मैच 1 लिमिट, ये रूल हमेशा फॉलो करना. अब आप कहेंगे लिमिट क्या है, लिमिट होता है आपकी, आपके पास जो टोटल बैकअप है उसका 1/5 पार्ट. मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसका 1/5 पार्ट हुआ 20,000. तो आपको एक मैच में 20,000 से बैटिंग करनी है. और अगर आपका बाई चांस लॉस भी होता है, गलत दिन ख़राब है, या मेरी टिप पे, या आपने खुद की तरफ से, या किसी के भी कहने पे आपने गलत टीम पे बैठ गए, तो आपका लॉस 20,000 रुपये होना चाहिए. 20, 21,000, 22,000, 25,000 या 50,000, ये सब नहीं. मैक्सिमम आपके हारने की एक लिमिट तय होनी चाहिए और वो है 20,000. अब देखिए ये तो हारने की लिमिट तय हो गई, जीतने की कोई लिमिट नहीं होती है. आपने अगर मान लीजिए कोई टीम आपने 50 पैसे लगी हुई और उसको खा लिया, 50 पैसे में खाने के बाद 20,000 से आपने खाया है तो आपको 40,000 मिल रहे हैं दूसरी टीम पर. तो आपने लिमिट बढ़ गई ना, मतलब जीतने की तो कोई लिमिट नहीं है. आप उस मैच में 40,000 जीत गए, या किसी मैच में कोई टीम 20 पैसे लगी हुई है वहाँ पे आपने 2 लाख रुपये खा लिए या 1 लाख खाया 20,000 की लिमिट से, तो 1 लाख जीत गए. तो यही है, जीतने की कोई लिमिट नहीं है, हारने की लिमिट एक तय रखिए कि 20,000 हारेंगे, 20,000 की लिमिट है, या जिसकी जो अपने आपकी लिमिट है उसके अकॉर्डिंग. ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लिमिट तय रखिए. इसके बाद चलते हैं, लिमिट के बाद आ गया आपका
नॉन कटिंग, कुछ लोग होते हैं जो नॉन कटिंग टीम दे देते हैं कि इस टीम पे पैसा लगा दीजिए, बस बैठ जाइए, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है। मान लीजिए किसी टीम को आपने 90 पैसे में आपने लगा दिया और वो टीम वापस आपकी 10 पैसे के करीब आ गई है, तो आपने लॉस नहीं हटाया, वहाँ पर लॉस कट करना होता है। अगर आप लॉस कट नहीं कर रहे हैं तो उसे नॉन कटिंग कहते हैं, और वो नॉन कटिंग वाला हमेशा माइनस रहता है पंटर, ये हमेशा याद रखिएगा। तो हमेशा छोटे भाव में जैसे ही आपकी टीम पहुंच जाए लॉस हटा लीजिए, लॉस ज़ीरो कर दीजिए। दोबारा बेशक भाव ऊपर आता है अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, तो दोबारा लगाने के लिए भी आपके पास लिमिट रिफ्रेश रहेगी। तो इस तरीके से खेलेंगे तो हम एट द एंड ऑफ द डे या मंथ जो भी होगा आपका, आप प्रॉफिट लेकर ही निकलेंगे। लॉस कट हमेशा मैच में होना चाहिए। चलिए फिर इसके बाद आता है बुक सेट। देखिए एक होता है नॉन कटिंग वाला पंटर, एक लॉस कट वाला और एक बुक सेट वाला। तो ये तीन तरह के पंटर होते हैं, बैड, गुड एंड स्मार्ट। बैड कौन होता है? जो नॉन कटिंग लगा के एक टीम पर बैठा रहता है और कुछ नहीं कर पाता, लास्ट में उसका लॉस हो जाता है, 10 पैसे टीम लग के हार जाती है। जो गुड होता है पंटर, वो 10 पैसे में अपना लॉस हटा लेता है, उसकी टीम हार गई तो उसका जेब से कुछ नहीं गया, लेकिन अगर जीत जाती तो कुछ मिल जाता, वो होता है गुड पंटर। टीम हारने के बाद भी लॉस नहीं है। स्मार्ट पंटर होता है, 10 पैसे उसकी टीम आ गई, उसने बुक सेट कर लिया, दोनों तरफ इक्वल प्रॉफिट कर लिया, दोनों साइड कुछ ना कुछ लेकर ही उठेगा, उसे कहते हैं स्मार्ट पंटर। तो स्मार्ट बनना है आपको, एटलीस्ट बैड तो नहीं बनना है कहीं से भी, लॉस तो ज़रूर हटाइए। और अगर बुक सेट करते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया पंटर हैं, किसी टिप्स की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी की टिप की, आप खुद से खेल सकते हैं। और आई थिंक शायद आप ये वीडियो तब नहीं देख रहे होंगे अगर आप एक स्मार्ट पंटर हैं। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, आपको हमेशा फॉलो करना है इनको। और कुछ लोग टॉस वगैरह में भी पैसा लगाते हैं, ये सब आपके पैसा डुबाने वाली बात है। टॉस वगैरह मत खेलिए, मत लगाइए टॉस वॉस में पैसा। सेशंस खेलते हैं तो मत खेलिए, अगर आप खेलते हुए आ रहे हैं सेशन तो आपको भी पता है कि आप जो मैक्सिमम पैसा हारे हैं वो सेशंस खेलते हुए आ रहे हैं, ना कि मैच में। तो मैचेस में आपको सेशन नहीं खेलने हैं, और अगर खेलने भी हैं सेशंस तो जो आपकी टोटल बैकअप का 5th पार्ट था आपका, लिमिट लिमिट थी 20,000, और लिमिट का 10th पार्ट होता है अगर आपने सेशन खेलना है तो 10th पार्ट से आपको सेशन खेलना है। मान लीजिए 20,000 लिमिट है तो आप 2,000 रुपये से एक सेशन यस करेंगे या नो करना है, जो भी करना है, एक और एक सेशन के अंदर एक ही एंट्री लेनी है या मैक्सिमम दो। मतलब आपने 2,000 का यस कर दिया है, कुछ 6 ओवर का सेशन 49, तो ये नहीं है कि 50 भी यस करो, 51 भी करो, या 46 47 जो भी आ रहा है यस करते चले जा रहे हैं, तो ये नुकसान है आपका, पैसे हारोगे ही आप। एक एंट्री लेनी है, एक एंट्री लेने के बाद बैठ जाइए, या अगर ऊपर सेशन काफ़ी आ गया है तो वहाँ नोट करके अपना ब्रैकेट डिप भी बना लीजिए, आएगा तो डबल आएगा, जाएगा जेब से कुछ नहीं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको फॉलो करिए, फ़ायदा रहेगा। और एक सेशन के ऊपर एक पूरा ब्रीफ में आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ का कुछ इंतज़ार करिएगा। सेशन अगर खेलना ही आपने तो उसमें भी आपको बताया जाएगा किस तरीके से खेलना है सेशन। फ़िलहाल ये कुछ बेसिक बेसिक रूल्स थे, आपको समझा दिए गए हैं, और फॉलो करेंगे तो बेनिफिट लेकर ही निकलेंगे, हमारे को हमारे टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो। तो फ़िलहाल ये फर्स्ट ऑडियो था वीडियो, तो और इसमें आप सबने कुछ समझ आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो वेट करिएगा और हमारे नेक्स्ट वीडियोस का इंतज़ार करिएगा। या फिर आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक्चुअली हमारे टेलीग्राम पर दो चैनल हैं, एक GS सेकेंड इनिंग्स के नाम से और दूसरा है GS स्पेशल। GS सेकेंड इनिंग्स में एक्चुअली होता क्या है कि 40-50 हज़ार मेम्बर्स हैं उसमें, और क्रॉस प्रमोशन उसके अंदर चलता रहता है, लिंक्स आते रहते हैं दूसरे चैनल्स के भी, तो आप किसी मतलब गलत टिपर के चैनल में चले गए और लॉस हो जाता है तो आप मुझे बोलेंगे, इस वजह से उस चैनल का लिंक मैं यहाँ शेयर नहीं करूँगा आप लोगों के साथ। GS स्पेशल का लिंक डालूंगा जिसमें मेंबर्स थोड़े कम हैं, 3-4 हज़ार मेंबर्स हैं, और उसमें ये होगा फ़ायदा कि जो भी आपको टिप मिलेगी वो आपको सिर्फ मैथ से रिलेटेड बात होगी, कोई फालतू लिंक्स वगैरह नहीं आएंगे और आपका कुछ फ़ायदा ही होने वाला है उस चैनल से। तो वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का, उसमें और डिटेल से बात होगी आप लोगों से और कुछ अच्छा आपके लिए लेके आया जाएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट मैचेस।